दल आदरणीय बुद्धभोजी आदरणीय विपुली हनुमिता जी मार्शल दीपक बागमारे साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर साउथ इंडिया महेंद्र यादव साहब रविंद्र रविचंद्रन साहब सम्मानित मंच और सभा में जितने बच्चे भिक्षुगण माताएं बहने साथी आप सभी को रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मुझे आधा घंटा से 40 मिनट बोलना है और मैं 3 दिन इसके लिए मैं कल चला था आज हूँ कल मैं दिल्ली रात में वापस लौटूंगा तो आप समझ सकते हैं कि 40 मिनट बात रखने के लिए कितना वक्त हमें लगाना पड़ता है इसमें और भी काम करना पड़ता बहरहाल मैं इसलिए हमने हामी भर दी मैंने पूछा कि नागपुर से कितना वक्त लगेगा 3-4 घंटे मुझे लग गया था कि 3 दिन मेरा जाएगा इस कार्यक्रम में लेकिन मैंने हामी इसलिए भरी और मेरे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब ने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की 1926-27 उस मंच पे उसके वार्षिक जलसे में अधिवेशन में और वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे आप लोग के बीच बोलना है इसलिए मैंने हामी भर दी अन्यथा 40 मिनट बोलने के लिए 3 दिन समय देगा। ये मेरे घर की बात है किस मन से बोल रहा हूँ और आप सभी का बधाई शुक्रिया कि आप अभी शाम तक यहाँ पर हैं और आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूंगा आपसे। आप में से बहुत सारे लोग अम्बेडकर नामा देखते होंगे सारे लोग तो नहीं देखते होंगे लेकिन अम्बेडकर नामा मैंने नहीं मेरे बेटे ने बनाया था मैं उससे बोलता हूँ मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है उसने बनाया तो जो बात बोलूंगा अम्बेडकर नामा पे कई बार बोल चुका हूँ सारे कागज के साथ बोलता हूँ सारे वीडियो उस पर डले हुए आप चाहें तो जाकर देख सकते लेकिन वन टू वन आकर बात करना ही ज्यादा बेहतरीन अच्छा अनुभव होता है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात मीठा मीठा बात करूं पक्का हाथ उठाइए हाँ ना मीठा की तीखा वाला तीखा वाला वैसे महाराष्ट्र में तीखा बहुत खाते हैं और इधर तेलंगाना में तीखा बहुत खाते हैं कल मैंने खाना खाया तीखा था आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो मैं तीखा कम खाता हूँ लेकिन तीखा ज्यादा होता वो अच्छा लगे दवाई कई बार कड़वी दवा देनी होती है तब जाके इलाज होता है। मेरे से बहुत लोग नाराज भी होते हैं कि इतना तीखी दवा आप क्यों दे रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब पिछले साल आए थे आप हाँ, यस। तो कल मेरे साथी थे बैठे हुए तो मैंने कहा आदिलाबाद जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा मैं पिछले साल गया था मैंने कहा मैंने देखा था वीडियो फोटो भी देखा था तो उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा तीखा जो है कड़वी दवा दे रहे हैं आजकल हर जगह हम तो क्या बोले इतने दिन से सब मीठा मीठा सुनते सुनते सब पूरा समाज डायबिटिक हो गया है शुगर मधुमेह हो गया है इसलिए उसको कड़ा दवाई लेना पड़ता है तब जाकर ठीक होगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई ठीक है जी 1925 में आरएसएस बनी हाँ। और नागपुर 1926-27 महान आंदोलन के समय समता सैनिक दल बना महज 1-2 साल का अंतर है। 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2027 में 2 वर्ष बाद समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मुझे लगता है कि इस 100 वर्ष वाले माहौल में हम लोग को समीक्षा करनी चाहिए अपने ऊपर चिंतन मनन करनी चाहिए। 100 साल में आरएसएस देश पर कब्जा संविधान पर कब्जा इंडियन रिपब्लिक पर कब्जा
देश खतरे में, संविधान खतरे में, और हमने क्या किया ये सवाल हम लोग को पूछा जाना चाहिए अपने आप से। मैं कोई संगठन नहीं चलाता, मैं आपसे चंदा भी नहीं मांगता, न मैं वोट मांगता। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, इतिहास पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, उसी में जीता हूं, और लॉकडाउन के समय मैंने अम्बेडकर साहब को खूब पढ़ा, और इसी में अम्बेडकर रामायण आया, उससे पहले नहीं था। तो ये समीक्षा का वक्त है, अपने आप को देखने का ये वक्त है कि एक संस्था 25 से बनती है और पूरे रिपब्लिक के कंट्रोल, हर संस्थान पर, हर इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल। सांसद बल से पहले बहिष्कृत कार्मिक सभा भी बनी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी, सांसद बल से पहले मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बाद में जनता, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, ये भी खोले थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी खुला उन्होंने, सिद्धार्थ कॉलेज, यूनियन कॉलेज, ये सब बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और अंतिम दिनों में रिपब्लिकन पार्टी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी बनाया। ठीक है बात जी, तो हमें भी समीक्षा करनी चाहिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगली किताब आपके काम की होगी, धर्मांतरण टाइटल से ला रहा, तो उसमें बौद्ध संघ के क्या काम है, बर्मा में उन्होंने क्या देखा, लंका में क्या देखा, नेपाल में क्या देखा, सबका भाषण लिखने वाला किया, जिनमें पाठक को करना होगा 1920 से लेकर 56 तक एक ही जगह 75 भाषण आपको मिलेंगे। इधर उधर कहां ढूंढोगे, एक जगह थोड़ा सा पैसे खर्च करना और उसको देख लेना पढ़ना। इतनी संस्थाएं डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई, इतनी संस्थाएं, तो हमें समीक्षा करनी होगी कि आखिर हुआ क्या। और जितना मैं पढ़ता हूं, जितना समझता हूं, जितना मैं जा रहा हूं कहीं बातचीत कर रहा हूं, उससे मैं कुछ खास कंक्लूजन की हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवा को अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी मत करना। तो सोचो कि हम पीछे गए या आगे गए, मेरी समझ हम लोग उस लायक ही नहीं थे जो उन्होंने दिया, उसको हम संभाल सकते, ईमानदारी से। और ये भी कह रहा हूं कि मुझे अब इस बात में डाउट है, संदेह है, शक है, कोई प्रजाति, कोई समुदाय, कोई इंसान, किसी में भी बाबा साहब के नस्ल का रक्त लहू कोई बचा है, मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि बाबा साहब जिस परंपरा को रिप्रेजेंट करते थे, जिस परंपरा से आते थे, उनके नसों में जो लहू था, जो खून था, वो कहीं कुछ बचा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। आप नाराज हो कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, कहने के लिए कहते रहिए, उनके किसी वंशज में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, कोई नेशनल मूवमेंट, कोई डिस्कोर्स, कोई विमर्श, कोई आंदोलन, कोई ज्ञापन, कोई मेमोरेंडम, कोई दलित इमेंसिपेशन ड्राफ्ट, कोई जाके डेलीगेशन मिला हो प्राइम मिनिस्टर से, कोई जाके डेलीगेशन मिला हो खड़गे साहब से, कुछ ऐसा प्रजाति है जो बढ़िया अंग्रेजी ड्राफ्ट करके जाए, बढ़िया अंग्रेजी बोले, बड़े नेशनल लीडर से मिले, बोले हेलो मिस्टर गांधी, हेलो मिस्टर खड़गे, ये प्रजाति है। इस समाज में कोई गुस्सा, कोई आक्रोश है, सोचो। दो रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाए थे, याद है आपको, कौन से?
और पुरुषों के दो रेजिमेंट बनाए हैं, महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट, दो रेजिमेंट बनाए अंग्रेजों ने। ये दोनों रेजिमेंट कुछ सोच के बनाए होंगे ना, कुछ सोच के बनाए होंगे, और रेजिमेंट क्यों नहीं बना इसको कभी सोचिएगा। हमारा शत्रु जो है इसी दोनों कम्युनिटी को आपस में मिला दिया, ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, मुझे आइडिया है तेलंगाना में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मुझे आइडिया है। इसी दोनों कम्युनिटी को आपस में मिलाया। अच्छा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, न रहेगा बाज न बाजेगी बांसुरी, आपस में लड़ते रहना कि मैं तुमसे बड़ा, हम तुमसे बड़ा। नॉर्थ इंडिया में अलग डिस्कोर्स, नॉर्थ इंडिया में कह रहा है कि जाकर खाते मतलब चमार खाते, और बैकवर्ड में कह रहा है कि यादव खाते। कोई आंकड़ा कोई स्थिति नहीं, कोई रिजर्वेशन पूरा हुआ नहीं, लेकिन आपस में ये कम्युनिटीज जो एक दूसरे पे आरोप लगा रही है कि ये खा गए ये खा गए। भाई ये नौकरी आरक्षण ये सब कोई लड्डू तो नहीं है कि आप गए इंटरव्यू बोर्ड में और वहां से बोला कि आइए साहब, आइए रसगुल्ला है आपका, आप चमार साहब है महार साहब है, आइए आप दोनों रसगुल्ला खाइए, कहीं लिखा हुआ है ऐसा? भाई प्रोफेसर बनना है तो एमए पास करना होगा, नेट पास करना होगा, सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसा भारत में आज तक सिलेक्शन कमेटी हुआ है जिसमें खाली दलित ही सिलेक्शन करने वाले हो, खाली महारी सिलेक्शन करने वाले हो, या खाली चमारी सिलेक्शन करने वाले हो, या खाली कटी की सिलेक्शन करने वाले हो? कभी कोई एक कमेटी मुझे बता, एक कमेटी बता दे, कोई एक कमेटी बता दे जहां क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला यूपीएससी का और पीसीएस का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, वहां पे महार बैठा हो, चमार बैठा हो, कटी खाली बैठा हो। सोचिए, दिमाग में बल डालिए, कोई सिलेक्शन कोई एग्जामिनर ऐसा बता दे कि जहां पे दलितों की जाति में से चार आदमी बैठा हो जो उसको फेवर कर दे, कि गोवा के स्पेलिंग गलत भी बोलते तो भी बोले तुम पास हो गए। है इस धरती पे, मैं चुनौती दे रहा हूं, कोई एग्जामिनर, पेपर सेटर, कोई इंटरव्यू लेने वाला, कोई सिलेक्शन कमिटी ऐसा हो जिसमें एक ही, चाहे खटे का, चाहे मांग का, चाहे महान का, चाहे चमार का, चाहे मलिका का, चाहे हमाला का, कोई बैठा हो तो उसको आए कैंडिडेट उसको फेवर कर दे। नहीं, दिमाग की बत्ती खोलिए, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है, इंटरव्यू बोर्ड में सब अभी लोग बैठे, ज्यादा तेज स्टूडेंट होता है उसका नंबर कहां देता है आपको नहीं पता है? यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, आईएएस बनने का रिजल्ट देखिए, रिटेल में 800 नंबर, असल जो इंटरव्यू है उसमें 200 में से 40 नंबर, 50 नंबर, ये उल्टा हो रहा है। और आप लोग की बुद्धि मदी भ्रष्ट हो गई है, मैं पूरे समाज को कह रहा हूं, मैं दलित समाज को कह रहा हूं, ये मदी भ्रष्ट हो गई है कि आप आपस में ही लड़ रहे हैं कि इसका वो खा गया, उसका वो खा गया, उसका वो खा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के नस्ल आदमी अब नहीं, बाबा साहब खत्म है। दो उदाहरण और दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा और बोलूंगा भाई, पूरा मोबाइल नहीं टाइम देखते बोलूंगा, बोले सर आप अपना टाइम ले, 10 मिनट हो गए, दो तीन उदाहरण और दे रहा हूं, आपकी दिमाग की बत्ती अगर नहीं जल। बाबा साहब ने बहुत फ्रस्ट्रेशन में उनका अंतिम दिन गुजरा, कैसा आदमी सब है जिसमें गुस्सा कुछ नहीं, कैसा है, इतने अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, तुम्हारा लेख लिखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से कुछ कुछ चल रहा है भाई साहब जिंदा, ये तो अभी नहीं आता। एक ही दिल्ली विश्वविद्यालय में दो कानून लागू है, मनुस्मृति भी लागू है वहीं पे,
प्रधानमंत्री के घर से 15 किलोमीटर की दूरी में है दिल्ली, 10-12 किलोमीटर। रोज सोशल मीडिया में देखते हैं कोई नेशनल वाइड प्रोटेस्ट नहीं होता, वो रोहित को मिला तो हुआ या रोस्टर पे हुआ तो हम लोग दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए। हमारा काम रोहित प्रोटेस्ट करना नहीं, हमारा काम पढ़ाना भी, 5 दिन की क्लास में पढ़ाना होता। छुट्टी मिलता है तब आपके पास आता हूँ, आज शनिवार है कहूँ रविवार को मिल जाऊंगा, मैं जो क्लास करना है। दो उदाहरण से देखा, ये अभी एक बाबा है, बाबा बेचारे का नयन नहीं, आंख नहीं, सुना था बात वाली लेकिन दिमाग और जवान बहुत चलता है बाबा, ये नहीं है लेकिन दिमाग और जवान बहुत तेज चलता है। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो राम को नहीं भरता वो सब क्षमा है, बोला था बोला था नहीं बोला आप लोग पता ही नहीं, आप लोग गुस्सा आया, गुस्सा आया बंदे थे कैसे अधिकार बचाओ, इनको भी कुछ उनको लग रहा था कि समारोह कह रहा, वो पूरी जमात को कह रहा था, वो बैकवर्ड को भी कह रहा था और जाति को नहीं जमात को कह रहा था। वो इलेक्शन का टाइम है, विशेष कर रहा आपके माथे में थर्मामीटर लगा के, इस दिमाग में गोबर भरा है, ये कुछ बुद्धि भी है। अच्छा है जमात लोग राम को नहीं मानते तो अच्छी बात, लेकिन वो गुस्सा आपके अंदर आना चाहिए था। कैसे यूनिटी बने, सब अपने फेसबुक पर लिख देते मैं भी चमार, मैं भी, क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं हुआ। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं यही भाग कर रहा था, पिछले समुदाय के लोगों की मीटिंग नहीं, उस आप जाति में खुद बदले हुए तो नहीं है, ब्रेक लीजिए। दूसरी बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब का बहुत सारा समय जो है ना इन अछूतों ने बर्बाद कर दिया, बहुत सारा समय इनको संगठित करते 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 आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला गया। और आज होते बाबा साहब तो आपको पता नहीं किस नदी में कूदते रहे, उनके जमाने में मान महार ढोर जमान ये सब उस समय नहीं चल रहा, लेकिन उस समय आरक्षण नहीं मिले थे, अधिकार आपको सुनिश्चित नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे आपको, वोट देने का अधिकार नहीं थे। आज जो आपके पास सारे अधिकार है, पढ़े लिखे लोग अधिकार जाएगा तो किसी एक जाति का जाएगा। बाबा साहब के जीवन का बहुत सारा समय नष्ट हो गया इसलिए, नहीं तो और बढ़िया काम है, और बढ़िया किताब लिखते, और बढ़िया पढ़ते, सब सभा में जाते थे, मान की सभा में जाते थे, वो सोलापुर में उन्होंने हॉस्टल खोला था, उसमें सारे जाति के बच्चे रहते थे, महाराष्ट्र सभा में जाते थे, सारे समुदाय के सभा में जाते थे, संतों की सभा में गए, मातंग की सभा में गए, वो जोड़ लेते, अरे भाई खाने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं, और आपस में भिड़े हुए को मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैं ज्यादा बड़ा हूं, बाकी सब को पिछड़ों को भी जोड़ दो, पिछड़ों को भी जोड़ दो, आप सब आप जुड़ जाओ, जिसको आप 85% कहते हैं। सवर्ण आप सबको किस नजर से देखता है, अगर ये सोचना जरा सा, अगर वो बैठा के आपको अपने यहां खाना खिलाए, शादी ब्याह आपके हो तो बात तो समझ में आती है कि आप थोड़ा ऊपर की डिग्री में हो, लेकिन वो तो आपको अछूत का अछूत ही समझता, तब आपस में चूक गए। इसलिए आज के अवसर पर ये याद आपको दिलाना बहुत जरूरी है। अभी मैं देखता हूं चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, दो अगर डोमिनेंट कास्ट है दलितों का तो आपस में भिड़ा होगा, ऐसा मजा ले रहा है आरएसएस बीजेपी सारे कुछ खत्म कर रहा है, आपके खत्म हो गया नहीं मोदी साहब ऑलरेडी डन रॉन्ग, अगले 15 साल के बाद 10 से 15 साल के बाद आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप वर्दी सिलवाएंगे, मैंने तो लिखवा लीजिए,
क्यों? उदाहरण देकर समझा सकता हूं। दलितों का एक मिडिल क्लास बना हुआ है, चाहे किसी जाति का हो, मैं अपने आप को डिकास्ट कर चुका, मेरी जाति नहीं है, इसलिए मैं सबसे बीच जाके यही बात बोल पा, सुधरो सुधरो। सरकारी नौकरी से ही मिडिल क्लास बना था, जमीन था, रिजर्वेशन लागू करने के पहले जमीन था, उद्योग था, व्यापार था, मैं कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत गुजरात 1-8% के बाद थोड़ा बहुत कुछ रहा, लेकिन समाज को पूरा ये कुछ था नहीं। तो नौकरी से बना मिडिल क्लास, सरकारी स्कूल में पढ़े बाबू बने, ठीक है ना, वहां पर बैंक में थे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा होगा ना, हम ही पढ़े, तो सरकारी स्कूल बनाएगा और उसमें से पढ़ के निकले तो वही सब क्षमता से निकल के कार्यकर्ता बने, बाम से बने, बीएससी बने, सब वही बने, मिडिल क्लास आए। अब सरकार जो है, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री खोला गया, पहली बार कांग्रेस ने उतना नहीं किया था प्राइवेटाइज, उसने नेशनलाइज भी बहुत सारे बनाए, इसके अंतर समझना चाहिए। और अरुण सोनी जिसका नाम आपने लिया, जिसने वर्सिपिंग फॉल्स और लिखा था कि आप उसको डिस इन्वेस्टमेंट मंत्रालय का जो है मिनिस्टर बनाए, और धीरे धीरे बोला इस सबको बेचो, और अब तो बहुत तीव्र गति से मिल रहा है तेजी से। तो पीएसयू जो है बैंक, बैंक में लाखों लाख बैंक में कैसा था एलआईसी, एलआईसी में भाई कगार में चिंता मत करो, रेल ट्रेन बैंक, रेल में बहुत कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है, संसद से क्लास 3 क्लास 4 भी प्राइवेटाइज हो चुका है। तो पैसे आते थे नौकरी से, बोले इस स्कूल में नहीं, आरएसएस वालों को पता लगा कि सबको कहां से इतना आंदोलन कर रहा है, बोला कि सरकारी स्कूल में पढ़ के बाबू लोग बना है, यही लोग चंदा देता है और इसी के चंदा से आंदोलन हो रहा है, एक काम करो प्लस सरकारी स्कूल खत्म करो, एजुकेशन इतना महंगा कर दो, ये सब पढ़े ही नहीं तो पढ़ेगा ना नौकरी होगा, और नौकरी भी खत्म कर दो, चौतरफा हमला हो रहा है। तो जब नौकरी नहीं रहेगी, जब व्यवसाय नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार व्यापार नहीं है, तो 15 साल बाद ही बर्मी सिलाओ कैशलेस हो जाओ, कैशलेस कैशलेस, और कैशलेस हो जाओगे तो क्या करोगे, बोला कि ऐसा है लोगों का पेट बहुत निकल गया है, आप आके जब चिकन वन खा रहा है, मटन खा रहा है, सब बटर घी खा रहा है, पेट बहुत निकल गया है, शुगर डायबिटीज हो गया सबको, सब खेत में लगाओ काम पर, दिन भर काम करेगा अपने आप जो है सब सब ठीक हो जाएगा, एसी में रहने का आदत बिगड़ गया। तो नौकरी खत्म हो, सीधे बाबा एक पूरे जमात को धर्म संसद में गांधी को गाली किया जा रहा है, गांधी को लेकर दलित समाज में जो समझ है उसी में गलत समझ, अंबेडकर गांधी मिलते थे तो बेइज्जत नहीं करते थे, सैद्धांतिक डिफरेंट आजकल दलित समाज को खाली कुछ संगठन वालों ने पढ़ा दिया है, पूरा पैक पूरा पैक पूरा पैक गांधी अम्बेडकर, उसके आगे कुछ नहीं जानता, उसके आगे कुछ पता ही नहीं, और सावरकर खेडगेवार गोलवलकर के बारे में नहीं बोलता। तो जिस 40 साल में आपकी नौकरियां लगी उसको आप मानते हैं शत्रु, अरे बाबा साहब तो कांग्रेस से ही ना उस समय लड़ते और किससे लड़ते, उस समय जनसंघ तो था नहीं, आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ था, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, तो जो प्रतिद्वंदी पार्टी होगी उसी समय लड़ाई होगी और किससे होगी, तो ये सवाल पूछो कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बाबा साहब ने जितनी लड़ाई लड़ी 25 साल तक, वो उतना भारत के इतिहास में दुनिया के इतिहास में किसी ने उतना लिखा नहीं होगा, जितना बोला नहीं होगा, जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के खिलाफ लिखा और कांग्रेस के खिलाफ बोला। आज अगर रहते बाबा साहब ने तो दरिद्र उन्हीं को बोल देता गद्दार है, उन्हीं को बोलता, क्यों? बाबा साहब और आदर ने पूरा बात बताया कि
बाबा साहब कांग्रेस के रिकमेंडेशन से ही राज्यसभा में आए और कांग्रेस मिनिस्ट्री में भी शामिल हुए और लखनऊ में 24-25 अप्रैल का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पांचवा राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि हमने क्यों कांग्रेस सरकार ज्वाइन किया। मैं कागज लेकर आया हूं, थोड़ा सा बताऊंगा ताकि सही बात लोगों के पास आए। सही बात, उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी भी लिखा था, राज्य और अल्पसंख्यक छोटा संविधान, ड्राफ्ट मैनिफेस्टो ऑफ शेड्यूल कास्ट इमेंसिपेशन भी लिखा था कि मुक्ति कैसे होगी। जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें से बहुत सारे चीज अपने अडॉप्ट किए कि हम इसको लागू करें। तो मिडिल क्लास जो खत्म हो रहा है, जो आवाज दे रहा था, जो लिख सकता था, बोल सकता था, उसकी कमर तोड़ दो। संविधान खत्म करने की कभी घोषणा नहीं होगी, सुन लीजिए ये बात, कभी अध्यादेश अभी नहीं आएगा कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। ये कर दिया गया है, कर दिया गया संवैधानिक जितने प्रोविजन है उसको डाइल्यूट कर दो, बात खत्म हो गई। अभी अभी 22 तारीख गया है, 22 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, न सुनते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, न बोलते हैं। देश से देश क्या बोला था, देश से देश और राम से राष्ट्र। तो देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा तो हो गई भाई साहब, किस दुनिया में गफलत में आप पड़े हो गई। एक सेकुलर नेशन का प्राइम मिनिस्टर जो संविधान की शपथ लेकर जाता है और वो सारे कर्मकांड करते हुए राम राष्ट्र, ये टेस्ट कर रहा है लोगों को, पब्लिक में रिएक्शन है कि नहीं। जब गृह प्रवेश होता है, कहानी भी सुनाता हूं, थोड़ा सा मजा भी आ गया। जब गृह प्रवेश होता है तो जो पुजारी आता है पुरोहित, वो गोबर गणेश की पूजा करवाता है। देखा नहीं, इधर नहीं, उधर नॉर्थ इंडिया में वो गोबर पर टीसी में सो बोलते हैं, तो गोबर गणेश की पूजा करवाता है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, जज हो, MBBS पढ़ के अमेरिका से आए हो, अगर आपने उसकी पूजा कर दी, उसने ये गोबर डाल दिया, तो पुजारी समझ जाता है कि भले ही कितने डॉक्टर और जज हो, इनसे दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है, तो थर्मामीटर से चेक कर लेता है, गोबर में पैसा डाल रहा है मूर्ख। तो टेस्ट करता है कि जिंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी तरह बीच बीच में बाबा लोग जो स्टेटमेंट देते हैं और प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है, वो टेस्ट कर रहा है कि आप में उबाल है कि नहीं है। नहीं तो कोई उबाल ही नहीं, हमारे जैसे लोग क्या हो, जो बोल रहे हैं जेब से पैसा खर्चा करके समय बर्बाद करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जग रहे हो तो क्या हो, जेल जाएंगे और क्या हो। अभी कई मुकदमे चल ही रहे हैं देखा आपने, और आप आओगे वकील का फीस देने भी आप लोग नहीं आओगे, तो हमारे जैसे लोग तो जेल जाएंगे, मारे जाएंगे, यही ना होगा और क्या, और किसके लिए। अरे मेरे पास तो अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा बड़ा सा बंगला है, लोग मुझे जानते हैं देश भर में, फिर भी मैं क्यों 3 दिन खराब करके अपना माथा मारने यहां आ रहा हूं, अपना सर तोड़ने आ रहा हूं। थकावट भी होती है ना आप ट्रैवल करते हैं, इसलिए कि जागो, संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं हुई, प्रावधान इरेलेवेंट कर दिया गया और ऊपर से ईवीएम का लीला, जनरल लीला के साथ ईवीएम लीला भी है, ईवीएम वोट भाई, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो मुझे कागज से वोट देना, ईवीएम से नहीं देना। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है,
आप लोग भी बोलो ये वोट हमारा, अधिकार हमारा, ये बचाओ देश बचाओ, ये बचाओ संविधान बचाओ। नहीं तो पता लगा मशीन से वोट ले लिया, आपकी वोट की जरूरत नहीं। विरोध विरोध के स्वर उठाओ, अकेले को दबा सकता है, पूरे जन सैलाब को नहीं दबा सकता कोई। ये असेसमेंट का वक्त है। बाबा साहब के तीर्थ संस्थाओं को मैंने शुरू में नाम दिया, क्यों जी? जितना बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा काम सबसे बोला, संगठित हो, एजुकेट। एजुकेट का मतलब समझा कि खाली नौकरी करके बाबू, ये डिग्री पास करके बाबू की नौकरी करना है, अपना घर बनाना है, एक कार खरीदना है, साहब बनाना है, इतना ही नौकरी आपने की। खूब हल्ला करते हैं, शिक्षा से लेने का दूर है जो पिएगा दहाड़ेगा। अरे अंग्रेजी शिक्षा बोलो, इंग्लिश एजुकेशन। बाबा साहब अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे तो बनते ही नहीं, कुछ नहीं बनते। एजुकेट करो तो कहां एजुकेट हो रहे? ये महाराष्ट्र में तो और देखता हूं, और हर जगह देखता हूं, दो आदमी मिलकर तीन पार्टी बनाता है, एक अकेले अकेले एक दोनों मिलकर है। बोला और नहीं तो बोला सबसे पहले तोड़ो, तो उनके परिणाम के कुछ ही देर बाद जो है तो रिपब्लिकन पार्टी टूट गया और समता से निकल भी टूट ही गया। ये तो सच है, दिल्ली में कुछ और लोग हैं, यहां कुछ और लोग हैं। असर तो अपना झंडा बैनर, दो आदमी इनके तीन पार्टी, एक अपने प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक बाघ सीता का फोटो और देश का हुक्मरान बनने निकला हुआ है। लोटा साहब जो है ना 50 वोट नहीं ला सकता, 50 या 100 वोट नहीं जीत पा सकता, लेकिन आपको दुदूरी वाला भाषण दे रहा है पूरा। एकदम देश के समझा करना है, हुक्मरान करना है, ये करना है, सब आलू फालतू की बात है। बाबा साहब ने कहा था कभी हम बहुजन है, बाबा साहब ने कहा हम अल्पसंख्यक है, पता है कि नहीं? सब कागज लेके आए हैं, मिठाई नहीं बताओ। ये राष्ट्रीय जीवन में हम अल्पसंख्यक और आप हवा काटे जा रहे हो बहुसंख्यक को लेकर, कहां है? बाबा साहब बोले अल्पसंख्यक है, फिर बहुजन हुआ, फिर मूल निवासी हुआ, तो क्या हुआ पता नहीं। देखो भाई आ गया, ये कौन से लिंग्विस्ट डिपार्टमेंट में, दुनिया के किस विश्वविद्यालय में तुमने पीएचडी की है कि तुम रोज टर्मिनोलॉजी बदल रहे हो? रोज कभी बहुजन कभी मूल निवासी, कोई इसका आधार नहीं है। बाबा साहब से पूरी राइटिंग पर ड्राफ्ट मैनिफेस्टो ऑफ शेड्यूल कास्ट इमांसिपेशन, वो कह रहे हैं अनुसूचित जाति के मुक्ति का घोषणा, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो साइमन कमीशन से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, वो कैबिनेट कमीशन से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, वो संविधान सभा में आके अपने लोगों का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और चर्बी चढ़ गई है थोड़ा सा, कुछ पैसे हो गए तो बोले हम शेर हम चीता हम दहाड़ है। अब दहाड़ते रहो तो पीछे से जो है ना बाबा साहब का खाली नाम का कोट पहने रहना, बाकी नीचे पैंट पैंट उतार देना, सब खत्म कर देना। ये है और कुछ सुनना है? पूरे भारत के इतिहास को पढ़ो, अस्पृश्यों के लिए, मैं अस्पृश्य शब्द कह रहा हूं, दलितों के लिए जो दलित टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत लोग, बाबा साहब दलित यूज करते थे पर आजकल दलित, अरे दलित मत बोलिए, दलित बहुत ही खराब लगता है। अरे दलित बहुत मजबूत शब्द है, उसमें फर्क लगता है। दलित पावर, जैसे ब्लैक पावर, ब्लैक ब्यूटी,
आरएसएस को दलित सबसे परेशानी है कि अभी यूनिफिकेशन का वर्ड छोटा सा है ना, पंच हिट करता है, हिट करता है दलित लिटरेचर। मूक नायक में उन्होंने जनता में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ताकि पढ़े कोई, तो पढ़ता तो है नहीं। दलित शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि उसमें पंच है, उसमें पावर, उसकी पॉलिटिक्स है, इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया। और बिना अर्जी फर्जी डिग्री लेके आता है सर, बिना अंग्रेजी पढ़े हुए क्या समझो, पता लगा बगैर अंग्रेजी पढ़े हुए डीएनए में शोध कर देता है हमारा लोग है? बगैर एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हुए डीएनए में शोध कर देता है। तो ऐसे लोगों से भी उनको उनको एक चेतावनी है। बाबा साहब ने 16 या 19 लोगों को भेजा था पढ़ने के लिए इंग्लैंड, उसके बारे में भी सब गलत धारणा फैलाता है, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा साहब का मैं बीड़ा चला कहता हूं, लोग कहते हैं आप अंबेडकरवादी, अपने हम नहीं अंबेडकरवादी, तुम अंबेडकरवादी हो ना, तुम जाके अंबेडकरवाद का प्रचार करो, लिखो पढ़ो बोलो। उसमें से गए थे कई लोग अभी अमेरिका में है उनके फैमिली में, और अभी हमारे एक मित्र गए हैं, एक फैमिली को उन्होंने ढूंढ निकाला और उनका घर अमेरिका में अंबेडकर वादियों के लिए शरण स्थल बना हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि सब गद्दार, सब मतलब जवाहरलाल नेहरू मनवादी हो गए, इंदिरा गांधी मनवादी हो गया, राजीव गांधी मनवादी हो गया, जगजीवन राम गद्दार हो गए, तो सब सब खाली दुश्मनी। अरे कोई दोस्त भी तो होगा, तो इनका दोस्त जो है ना सावरकर है, गोरवलकर, वही सब फंडिंग हो रहा है, गलत सलत विचार फैला के। कभी देखे हो कभी गोरवलकर पे और सब बात करते हुए? भाई बाबा साहब का परिनिर्वाण तो मान लो 56 में हो गया, ठीक है जी, हो गया। अब आईआईटी नहीं बन पाते तो क्या करें, पहले ये बताओ। जवाहरलाल नेहरू एम्स नहीं बनवाते, आईआईटी नहीं खुलता तो क्या कर लेते? बाबा साहब तो लिख के नहीं गए थे कि एम्स बनवाना, आईआईटी बनवाना, वो तो वेलफेयर स्टेट का विजन था और बाबा साहब का एक दबाव था जो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा था कि जहां जहां जरूरत होगा हम प्राइवेट सेक्टर रखेंगे और जहां जहां जरूरत होगा हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? अगर वो सरकार है, अगर वहां से ये पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनाती, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, पीएसयूज नहीं बनते, टाटा सेल हेल समान, सही आइए सही बात आइए, मेरे लिए समाज इंपॉर्टेंट है, पूरा दलित समाज की बात कर रहा हूं, मेरे लिए नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो सीएम रहे चाहे मिनिस्टर रहे चाहे एमपी रहे, मुझे गर्व इस बात का है कि समाज की हकदारी हो रही है और नेता सब इसी में बैठा हुआ है, खाली फेसबुक ट्वीट ट्वीट खेलता है नेता से, सड़क पर लड़ाई हमारी हो, नेता कह रहा है कि आंदोलन मत करो, तो आंदोलन नहीं करोगे तो अधिकार तुम्हारे घर चल चल के आएगा, बाहर हमारे साथ कहा है लाओ भाई अधिकार तुम्हारे थाली में लेकर आए, लो दबड़ो। इतिहास पर बाबा साहब बड़े बड़े आंदोलन करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं, किसानों की सभाएं, पूना सत्याग्रह, महार सत्याग्रह, पूना में भी सत्याग्रह हुआ था 1945-40 के बाद, लखनऊ में सत्याग्रह हुआ था 1947 में, 2000 सत्याग्रही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जेल गए थे, जेल जाने से डर लगेगा, बिना खाने से डर लगेगा, तो अधिकार तस्करी प्लेट में आएगा, किलो वाली हैदराबादी बिरयानी ले खाओ खाओ, ऐसे हो बाबा साहब मेमोरेंडम देते, वो जानते थे बाबा साहब ने सरकार बनाकर अधिकार दिलवाया, पहले बताओ जो बाबा साहब ने सरकार बना के अधिकार दिलवाए या बिना सरकार बनाए हुए अधिकार दिलवाए, सोचना पड़ेगा।
बोर्डो कमेटी को 1918 में मेमोरेंडम ज्ञापन देकर आए, साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर आए, गोल में सम्मेलन में जाके ज्ञापन दिया, बहस की, संविधान सभा में बहस की, ज्ञापन दिया नेहरू को, तो उनके सरकार था वो मान के, वो प्रेशर बिल्ड अप करके, आर्गुमेंट करके, बहस करके वो अधिकार आपको दिला, ठीक है। बाबा साहब जानते थे कि वो सरकार उनका बल नहीं था, खाली अस्पृश्य अपने बल पर दलित लोग चाहे कि हम सरकार बना लेंगे तो ये ख्याली पुलाव है, रात में खाली नींद लाने के लिए बढ़िया है, रात में खाली सपना देखो कि हम सीएम बने हुए हैं, खूब गुदगुदी लग रहा है, खूब मजा है। किसी स्टेट में इतना पॉपुलेशन है, 50% 40% पॉपुलेशन है कि जहां आप जो है अपने टाउन में राजनीति कर सकते हो, नहीं है। तो बाबा साहब प्रेशर बिल्डअप करके, प्रेशर टैक्टिक्स करके आपके राइट प्रोटेक्ट, और आप कह रहे हैं कि राइट की क्या जरूरत, राइट की जरूरत नहीं है, हम सरकार बनाएंगे, देश के सीएम पीएम बनेंगे, उसके बाद सब अपने बात पूरे करेंगे। तो ये ख्याली पुलाव अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं देखिएगा, ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है। और एक दो बात अंतिम में सुनाता हूं, हमारे यहां नेता बनने का बहुत चर्चा है, जिसको देखिए नेता ही बनेगा। अरे नेता एमएलसी नहीं होता, नेता वो होता है जो लीड करे। तो लीडर में और डीलर में अंतर क्या बोले, लीडर और डीलर में अंतर। तो लीडर जो होते हैं उसके लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं होता, वैसे ही लीड कर देता है, ठीक है जी, ठीक बराबर। और डीलर जो है टिकट लेके डील करता है, कुछ नहीं लगता कि 500-2000 वोट काट सकते हैं तो 5 लाख रुपया किसी से लिया, अपना पर्चा भर दिया, हो गई डील। तो डीलर और लीडर में अंतर समझ। एक मैं एक दो भाषण का थोड़ा सा अंश सुना, क्योंकि मुझे तो फिर 2 दिन आपको लगातार प्रोग्राम करवाना पड़ेगा तब जो है बात होगी। एक भाषण एक लेक्चर का जो है 50-55 मिनट से ज्यादा फिर नहीं रहता, वो बड़े बड़े संगठन में 4-4 घंटा बोलते हैं, बड़े 4-4 घंटा बोलने की बोल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं, इसका मतलब आप काम की बात नहीं कर रहे, बेकार की बात कर रहे। तो अब अंतिम चलते चलते सुनाता हूँ, वैसे मेरे पास कागज बहुत पढ़ के आता हूँ, सुबह 2 घंटा पढ़ा है, और फ्री का लेक्चर सुनने की आदत मत डालो, फ्री का लेक्चर भाषण 3 घंटा हो गया, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल का कोई कदर नहीं, वो समझता है कि वो सोचने में बोलने में कुछ लगता है, अरे 20 वर्ष लगता है तब एक आइडिया डेवलप होता है। अभी मैंने आवाज इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया, अभी सुनिएगा, हमने कहा सोशल मीडिया के जनक जो है बाबा साहब हैं, सोशल मीडिया आपको सुने, हमने सोशल मीडिया को ऐसे आंखों क्या ये कैसे कह रहे हैं, हमने इसका प्रारूप बदला है अभी, लेकिन जनक तो बाबा साहब है, ये प्रस्तावना डेवलप करने में वो कितना सोचना पड़ा होगा, मतलब कैसे हम लोग चवन्नी और ठंडी लेके अखबार चलाते थे, कॉर्पोरेट का तो ठंडी था नहीं, तो चवन्नी और ठंडी लेके अखबार चलाते थे, तो सोशल मीडिया हुआ ना आधा, समाज से पैसे लिए, ठीक, और उस समय हमारे लोग पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, गांव में काम जो तो 4 पास होता था, तो एक अखबार चाय के दुकान पर गया उसी को पढ़ पढ़ के सबको सुनाता था, ये सोशल मीडिया हुआ भी, इतना सोचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता, उसको थ्योराइज करने, तो हमारे लोगों को फ्री का भाषण चाहिए, खूब ताली बजाना, खूब गुदगुदी वाला भाषण चाहिए, नहीं आदत बड़ा हुआ है ना, दलित समाज में बहुत ही कारगर इज्जत नहीं है, वो जितना आएगा बड़े बड़े भाषण देगा, यार आपको ये बना देंगे, एकदम देश पसारे ब्राह्मण को विदेश भेज देना, एक आदमी को तो गांव से नहीं निकाल सकते यार, संविधान में सबको राइट सुरक्षित, काहे के लिए भटका रहे हो लोगों को, एक आदमी को अगर गांव से नहीं निकाल दिया तो मार लग के तुम्हारा इलाज कर देगा, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कहां से मिलता है। तो उनको जो है आप लोग जो है खूब जो है मान खूब खाना खिलाते हैं, खूब फंडिंग करते हैं,
रिसर्च कराने के लिए, रिसर्च में 10 साल इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए समाज फंडिंग नहीं देता। मिडिल क्लास खत्म हो रहा है, सबका फंडिंग भी खत्म हो रहा है। समाज से ही पैसा मांग के दो बच्चों को हमने विदेश पढ़ा दिया, एक को लंदन है, एक को अपना बच्चा नहीं, मेरा बेटा अभी इधर ही है, बेटी, एक मुस्लिम समाज का बच्चा, एक दलित बच्चा, एक जर्मनी का, एक इंग्लैंड का, 40 लाख रुपए दिए। एक बच्ची अभी कलकत्ता में पढ़ रही है, उसको 5.5 लाख 35,000 उसको भी दिए। तो हम लोग मांग के समझते हैं कि आप विदेश में पढ़ाइए। अभी मैं नेताओं से मिलूंगा, मैंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, हमने और हमारे मित्र चंद्रवान जी, और उसका नाम भी रखा दलित इमेंसिपेशन फ्रंट, और सिर्फ 7 पॉइंट उसमें डाले, 7 पॉइंट कथा कहानी नहीं, 7 पॉइंट डाले कि जिस भी नेता से, राष्ट्रीय नेता से मिलूंगा, बोलूंगा दलित समाज के लिए 7 पॉइंट आप शामिल कीजिए, दलित समाज आपको वोट देगा। अब अपना हुक्मरान बनने का नशा उतारो, बहुत हो गया, इसे कुछ ना होने का है, कुछ नहीं होने का है। अपने शत्रु को पहचानो, जिस समय नौकरी मिली वो दुश्मन हो गया, जो नौकरी आपने खत्म करा वो दोस्त है। तो ऐसा मूर्ख समाज कहां हमने, जो नौकरी खत्म कर रहा है उसके खिलाफ आक्रोश नहीं, और अपने सरकार बन नहीं सकती। तो ये जो एक ही बार में अपना मुक्ति कर लेंगे, ये सब बेकार की ड्रीम्स है, ऐसा कोई मायने नहीं है। और बाबा साहब को कोट कर रहा हूं, ये भाषण है मनमाड़ का, 16 जनवरी 1949, संविधान लागू होने से पहले मनमाड़ का भाषण है, लंबा है, लेकिन अंतिम पैराग्राफ आपको सुनाता और वो जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि तीन तरह के राजनीतिक अधिकार हम मानते रहे, तीन तरह के राजनीतिक अधिकार हम मानते रहे। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए, है ना, एमएलए बनाया जाए विधिमंडल, पहला। दूसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हिसाब से प्रावधान, जनसंख्या के हिसाब से। और तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तीन, इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, और वो बात क्या थी कि हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्य खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मान, ऐसा मैं नहीं मान। जो मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए। जो मिलता है पहले उसको लीजिए, और उसके बाद प्रेशर बनाए रखिए, नहीं कर रहे कि सरकार हम बना लेंगे तब देंगे, कि जो मिल रहा है उसको पहले लीजिए और अपना मांग बढ़ाते रहिए। और अंतिम में लोकल कहावत सुनाते हैं, और बड़ा दिलचस्प सुन लीजिए, जंतर मंतर में मैंने बोला था, बहुत लोगों ने बहुत ठहाके लगाए, कहते हैं कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही, और नहीं तो नंगे रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। आज दलित समाज की हालत यही, बनेंगे तो राजा ही बनेंगे, और नहीं तो नंगे रहेंगे, सारे अधिकार स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गए, अब माथा पर राजा बनू मरान बने घूम रहा। जब ये बाबा साहब का कोट है, मेरा नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल हमें नहीं मिले तो किसी को भी नहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 7 करोड़ अस्पृश्य हम एक रहे, 7 करोड़, तो हम जो है जमीन दोष कर देंगे। 7 करोड़ मान लो अभी किसी को हम वोट दे दे, किसी पार्टी को, तो पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक सकता है? तो आप वोट दोगे जात के नाम पर, मैं कर रहा हूं विचारधारा की बात। अगर मेरे विचारधारा के खिलाफ, अगर मेरा भाई रिश्तेदार मेरे विचारधारा, मतलब संविधान बना मनुस्मृति के,
मैं संविधान के पक्ष में। अगर मेरा भाई भी, मेरा रिश्तेदार भी मनुस्मृति के पक्ष में खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ मैं कैंपेन चलाऊंगा, ये मेरा कन्विक्शन है, उसको हराऊंगा। ये कन्विक्शन मुझे कहां से आता है, पढ़ के ही तो आता है, लेकिन यहां क्या है सब समझ गया है, रूलिंग क्लास जो रूलिंग एलिट है ना, जो शासक वर्ग है वो समझ गया है कि समाज को जो है ना कुछ नहीं चाहिए, दो चीज चाहिए, एक बड़ी सी मूर्ति बाबा साहब की, खूब शोर मचा हुआ है, तेलंगाना में सबसे बड़ा मूर्ति लग गया, उसका आंध्र प्रदेश में लग गया, सुप्रीम कोर्ट में लग गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, कनाडा में हो गया, तो मूर्ति पत्थर की खेती में इस समाज को बहुत दिलचस्पी है। मूर्ति लग गया ना एक जगह, संसद में हो गया, फोटो आ गए, घर घर में आ गए, तो मूर्ति देख के खुश होता है इसका पढ़ा लिखा समाज। और दूसरा, कोई भी पार्टी इसके जात का एक एमपी बना दो, एक मंत्री बना दो, पूरा जात बिक जाता है उसके साथ, पूरा जात बिक जाता है। तो रूलिंग क्लास समझ गया कि इसको राइट्स की जरूरत ही नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं, रोजगार की जरूरत नहीं, बिजनेस की जरूरत नहीं, व्यापार की जरूरत नहीं, कुछ इसको जरूरत नहीं, इसको खाली मूर्ति दिखाओ, नशा में आ जाए, नशा में। ये है, इसके जात का एक एमपी बना दो, लाल बत्ती बना दो इसके जात का, तो पूरा जात इसके तरफ चला। और जो सभा लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो देखिए, वो सब एक जगह बल्क वोटिंग करता है, बल्क वोटिंग, एक जात का बोला तुमको टिकट दे रहे हैं, जाओ तुम अपने जात का वोट ले आओ, बाकी हम लोग तुमको दे देंगे, जिता देंगे, काम करना मेरा। तो राष्ट्रपति तो है ही, प्राइड तो है ही, प्रधानमंत्री पिछड़ा है ही, और पिछला राष्ट्रपति तो दलित ही थे, लॉ मिनिस्टर दलित है ही, सब है ना। तो राजा बनो लेकिन काम करना हमारी विचारधारा का, आपको अपने जात का मंत्री चाहिए कि आपके अपने बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल और अधिकार के लिए, दो में से आपको तय करना, दो में से तय करना। अब लगता है हो गया टाइम, चलते चलते एक बात सुना देता हूं, एक लाइन और कहते हैं कि राजनीति की तरह ही शिक्षा का बहुत महत्व है। हमारे लोग राजनीति खाली करते, शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, किसी समाज की उन्नति, उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ में होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों में मैंने राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षणिक संस्थाओं की ओर ध्यान दे रहा हूं, सिद्धार्थ कॉलेज, मिडिल कॉलेज, इतना ही हमारा समाज मिडिल क्लास ने करोड़ों अरबों रुपए की चंदा दिया, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं, अरबों रुपए चंदा दिया, लेकिन एक विश्वविद्यालय बढ़िया और एक इंटरनेशनल स्कूल अंग्रेजी मीडियम का शायद मुझे नहीं लगता है कि रेसिडेंशियल खुला, मेरे नॉर्थ इंडिया में तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर दिखे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना करेक्शन करूंगा। तो नेता तो विश्वविद्यालय में पैदा होता है, स्कूल कॉलेज में पैदा होता है, मराठी में पढ़ोगे, तेलुगु में पढ़ोगे तो बहुत लंबा दूरी नहीं तय कर पाओगे, अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी, तो इंग्लिश मीडियम हाई हाई, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को विदेश भेजो, स्कॉलरशिप हो नहीं तो चंदा लेके भेजो, आपके समाज में इकोनॉमिस्ट गिने चुने लोग हैं, हिस्टोरियन नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, पत्रकार नहीं है, स्कूल नहीं है, वकील ढंग का नहीं है, वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में है 10 वकील खड़ा होकर खूब ठाई ठाई ऑक्सफोर्ड की टाइप अंग्रेजी बोलने वाला, सीए नहीं है, सीए नहीं है तो खीरा चोरी के आरोप में जेल जाओ और क्या होगा, कुछ भी नहीं है, खाली बाबू बनाए अपने पूरे जनरेशन, अब तो कम से कम इंटेलेक्चुअल बनाओ, सोच करवाओ, खाली बाबू बीए पास किया बेटा चल और लग जाए नौकरी की तैयारी,
नौकरी हो गया बोला चल शादी कर, थोड़ा दहेज माल वाल मिल गया बोला घर बना बढ़िया, यही है ना। कोई कहता है कि मेरे घर में बाबा साहब अंबेडकर हो, फूले हो, मेरे यार हो, नहीं है। तो जैसे जिस समाज में इंटेलेक्चुअल नहीं होगा वो खाली डीलर के भरोसे जो समाज होगा उस समाज की डीलिंग तो हो चुकी है, हो चुकी है। इतने तो सिविल बन रहे, नेता से आवाज नहीं आता, सुना है किसी नेता का आवाज? तो डीलर आप बनाओ तो डीलर ही मिलेगा ना फिर, बाबा साहब बनाओ नहीं तो बाबा साहब पाओगे, मिला मिला के बाद यही है। चलते चलते जो अपने शत्रु को नहीं पहचानता वो शिक्षित नहीं होता, और मुझे इस बात का कष्ट है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुझे मुझे डाउट है कि बाबा साहब के नस्ल का कुछ बचा हुआ है मामला के लिए बचा। लखनऊ में गए थे 24 और 25 अप्रैल 1948, सरकार में उस समय थे, सरकार में थे, उनमें तीन आरोप लगे थे कि कैबिनेट मिशन का जब प्रस्ताव आया तो आप चुप क्यों रहे, दूसरा प्रश्न था कि आप कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, और तीसरा था कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तीन सवाल खड़ा हुआ था कि अम्बेडकर साहब की चुप्पी क्यों कैबिनेट मिशन, दूसरा कि आप कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुए, और तीसरा कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। तो दो सवाल छोड़ता हूं क्योंकि काफी समय हो गया, एक सवाल का जवाब दे देता हूं क्योंकि रेलिवेंट है, और सवाल का जवाब बाबा साहब ने जो दिया था वही मैं दे रहा कि आप कांग्रेस में शामिल क्यों हुए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में मेरे शामिल होने के कारण अनुसूचित जातियों में बहुत अधिक भ्रम का वातावरण है, और मैं उस आशंका को दूर करना चाहता हूं, उस संदेह को दूर करना चाहता हूं। मुझसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के खिलाफ 25 साल लड़ने के बाद भी इस नाजुक मौके पर आप मौन क्यों हैं? बाबा साहब का उत्तर कि आखिरकार हर समय लड़ना कोई श्रेष्ठ रणनीति नहीं है, हर समय झगड़े करता है ये श्रेष्ठ रणनीति नहीं है, हमें अन्य उपायों को भी अन्य मेथड्स का भी सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजों ने हमें अधर में छोड़ दिया और हमारा समाज विभाजित हो गया, हमारे लोगों में अनेक पंचमांगी है, उस समय ऐसे शक्तिशाली संगठन से मतभेद हमारे हित में नहीं था, दलित लोग खुद ही बढ़ चुका था। आज तो आप और ज्यादा बटे हुए, अम्बेडकर अभी होते तो पता नहीं कहां कौन जाके वहां कौन नदी में डुबकी लगाते, मुझे पता कह रहे हमने सुलह की नीति अपनाई और कुछ सफलता भी पाई, हमने वह सब नहीं पाया जो हम चाहते थे, फिर भी हमने बहुत कुछ पाया, हमने विधानमंडलों में और सेवाओं में आरक्षण प्राप्त किया और हमारी अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली, पृथक निर्वाचन मंडल की हमारी मांग नहीं मानी गई, लेकिन इससे हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं इसमें उनको भी अधिकार नहीं मिला, यह समय कांग्रेस के साथ मतभेद रखने का नहीं, हमें सुलह और सहयोग के माध्यम से अधिक अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए, ये बात है। और आगे उसका एक्सप्लेनेशन, तीसरा एजेंडा था बहुसंख्यक जमात का, बोला दलित पिछड़ा मिल जाओ तो सरकार बना लो, लेकिन वो जानते थे कि मिलेगा नहीं, दलित ही आपस में नहीं मिलेगा, ये भी जानते। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, यह सही है कि मैं कांग्रेस का विरोधी और आलोचक रहा, किंतु मैं विरोध की खातिर विरोध में विश्वास नहीं रखता, जहां हम सहयोग द्वारा कुछ पा सकते हैं वहां सहयोग की भावना होनी चाहिए। मैंने सोचा कि कांग्रेस से लड़ने का अभी कोई फायदा नहीं, अभी कोई
फादर जी, इसलिए मैंने सहयोग करने का फैसला किया और सहयोग द्वारा हमने संविधान में कुछ रक्षा के उपाय प्राप्त किए हैं जो अन्यथा हम नहीं पा सकते थे। मैं कह रहा डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में, मराठी में, सब भाषण है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं जाते तो जो अधिकार आपको मिले हैं वो नहीं मिल पाते, तय है। तो अभी आपका शत्रु कौन है? कौन है? इतना तो कम से कम दिमाग खेलो। अभी सीधा और सीधा एनडीए और इंडिया की लड़ाई सीधा, इसमें खुदरा वाला जो है वो चलेगा नहीं। संविधान मुल्क संसद में से घोषणा हो रही है तो सीधा सीधा एनडीए और इंडिया में लड़ाई है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर शामिल होकर आपके लिए रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन किए, 40-50 साल में मिडिल क्लास खत्म हुआ, दूसरी तरफ आरएसएस भाजपा की सरकार है जो आपका चर्बी उर्बी ठीक करना चाहती है, मजबूरी कर वो चर्बी ठीक हो जाएगा, नौकरी खत्म, रिजर्वेशन खत्म, सब खत्म, तो घंटा बजाना फिर ये तो सीधा सीधा लड़ाई है, तो पूरा संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई है, धर्मयुद्ध है, ये लड़ो हराओ इनको, ये लड़ाई है। इतना समझाने के लिए 5 घंटा भाषण देना और इसके बाहर जो इधर वो दायम आए वो समझो उसी के द्वारा स्पॉन्सर, अगर 10 पक्ष खड़ा हो रहा है तो समझना थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आया है नागपुर से, वैसे लोगों से बचो। और मैंने बीच में कहा कि अगर मेरा भाई भी विचारधारा के अलग है तो उसको उसको हराने के लिए मैं चुनाव प्रचार करूंगा, क्योंकि सवाल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सवाल समाज के मुक्ति का है। शुक्रिया, जय हिंद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।